नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आकांक्षा दुबे मामले में आरोपी समर सिंह पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि समर सिंह ने नेपाल का रुख कर लिया है और साथ ही संजय सिंह भी देश छोड़कर के भाग चुका है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि जहां एक ओर यूपी की पुलिस ने लुकआउट नोटिस को जारी कर दिया था, वहीं देश के अलग अलग कोनों पर एयरपोर्ट्स पर इन दोनों की ही डिटेल्स भेजी जा चुकी है ताकि आरोपी देश छोड़ करके ना भाग सके। अब दोनों ही मामलों में कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जितना केस ये सीधा नजर आ रहा था उतना ही अब पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस की कई बार लापरवाहियां सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब एक बार पहले ही अनुमान लगा लिया गया है कि आरोपी देश छोड़ करके भाग चुका है, तब क्या ये एक्शन अब आरोपी को पकड़ने में मदद करेगा? क्या सच में आरोपी देश में ही मौजूद है, और अगर मौजूद है तो पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या पुलिस ने जो लोकेशन है उसे ट्रेस कर ली है? और अगर देश में लोकेशन है ही नहीं तो फिर एयरपोर्ट्स पर डिटेल्स भेजना और ये एक्शन लेना कहां तक वाजिब है? फिलहाल लगातार लोग इसी बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और आकांक्षा को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस का ये कदम कैसे समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार करवा सकता है, ये देखने वाली बात है। लगातार आकांक्षा का परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और लापरवाहियों के बारे में जिक्र कर रहा है। देखना ये होगा कि अब लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद एयरपोर्ट्स के जरिए क्या समर सिंह और संजय सिंह पकड़े जाएंगे और क्या सच में दोनों भारत में ही मौजूद हैं